तो फाइनली यहाँ पे एक कोबरा का बच्चा है जो आज हमने रेस्क्यू कॉल आया था और हम यहाँ पे आए हैं, तो बहुत ही छोटा सा सांप है और बहुत ही गुस्सेला है। तो कई लोग ऐसा सांप देख के वो मतलब समझ नहीं पाते कि कौन सा सांप है, तो ये कोबरा का बच्चा है और देखिए बहुत ही गुस्सेला है। इनमें भी बड़े सांपों जैसा ही जहर पाया जाता है। बहुत ही गुस्सेला सांप है। तो अभी ये जो सीजन चल रहा है अभी ऐसे बच्चा बहुत निकला करेगा घर पे। बहुत ही प्यारा बच्चा है। तुमने सोचा छोटा सा एक वीडियो बना के दिखा दूं अपने दोस्तों को। ऐसा सांप अधिकतर घर के आसपास जैसा कूड़ा करकट होता है उसी में अंडा देते हैं बड़े सांप, उसके बाद ऐसा बच्चा निकला करता है कम से कम 40-45 दिन बाद। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोगों को घर में प्रवेश करता है। तो भी हम इसे लेके जाएंगे और इसको रिलीज करेंगे एक अच्छी जगह, बाद बाकी में हम वीडियो पे दिखाएंगे। जो कोबरा का बच्चा है 3-4 महीने होने के बाद इनका कलर अपने आप ब्लैक में बदल जाता है। तो लेके चलेंगे यहाँ पे, इस घर पे था और अभी हम लेके चलेंगे और इसे रिलीज करेंगे एक अच्छी जगह। तो आज मैंने 2 स्नेक रेस्क्यू किया है और उसको यहाँ पे रिलीज करेंगे। एक छोटा सा बच्चा है कोबरा का और एक बिग साइज है। तो इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही गजब मार रहा है। ये देखिए, और अभी हम इसको यहीं पे रिलीज करेंगे। बहुत ही सुंदर प्यारा सांप। तो फ्रेंड, सांपों को कभी मत मारिए, ये हमारे इकोसिस्टम को डिसबैलेंस होने से बचाता है। बहुत ही प्यारा सांप है। और अधिकतर इस बार मैंने कई सारे कोबरा के बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, और अगर रात को आपको घर के आंगन में कहीं पे भी जाना है तो टॉर्च का प्रयोग जरूर करें। तो ज़्यादा वक्त ना लेके अभी इसको हम करेंगे यहीं पे रिलीज। तो ये रहा वो बड़ा वाला जो सांप है, तो अभी हम इसको यहीं रिलीज करते हैं और इसके बाद एक दूसरा दिखाएंगे। तो एक को हमने रिलीज कर दिया और ये हमारे पास है बेबी कोबरा। बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही फुर्तीला। यही जो कोबरा हमने अभी रिलीज किया वही कोबरा ही है, उन्हीं का प्यारा बच्चा है। तो देखिए बहुत ही छोटा सा सांप है लेकिन गुस्से से भरपूर। तो अभी हम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी हम देंगे आप लोगों को। देखिए बहुत ही गुस्सेला सांप होता है ये। बच्चा है तो क्या हुआ, पूरा फुर्ती
इसमें कायम है, तो देखिए किस प्रकार से बाइट करने की वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया जो हमने इसको पकड़ के रखा था, और अभी हम यहीं पे रिलीज करेंगे। तो फ्रेंड ये जो सांप है ये छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जहर नहीं होता है। इसमें छोटा सांप बड़े सांपों से ज्यादा ही घातक और खतरनाक होता है, और ये जो सांप होता है छोटा वाला, ये जहाँ पे हमें मिला है वहाँ पे और भी बच्चे होंगे, क्योंकि सांप तो दो चार अंडे तो नहीं देते, 40-50 के समथिंग अंडे देते हैं, और 30 या तो 31 डिग्री पे ही इनका बच्चे का जन्म होता है, अंडे से जो निकल के बाहर आता है। देखिए बहुत प्यारा बच्चा है, तो फ्रेंड ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था। तो माय यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू यूके, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और अभी हम करेंगे यहीं पे रिलीज कर देते हैं।